गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो पे। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, गली इरोजन। गली इरोजन मैंने इसके पहले वाली वीडियो जो वाटर इरोजन की थी उसमें से बताया था गली इरोजन के बारे में कि अलग वीडियो लाऊंगा। सो ये आज गली इरोजन की वीडियो है, डिस्कस करते हैं आज गली इरोजन के बारे में। और गाइस, गली इरोजन के बारे में पिछली वीडियो में जैसा बताया था, गली इरोजन एक एडवांस फॉर्म होता है वाटर रियल इरोजन का। जब रियल इरोजन होता है तो उसके बाद ये वाटर गली इरोजन होता है। गली रियल इरोजन में क्या होता है, जो छोटे छोटे चैनल्स बन जाते हैं वही धीरे धीरे बाद में ये बड़े बड़े बन जाते हैं। मीन्स गली इरोजन, अगर फादर गली इरोजन एक फादर है और रियल इरोजन उसका चाइल्ड है, तो इसी बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से। तो गली इरोजन के केस में क्या होता है कि जो चैनल्स हो जाते हैं, जो चैनल्स बनते हैं, क्योंकि पिछली में जो मैंने बताया था गली इरोजन के बारे में, तो आप समझ गए हम गली इरोजन के चैनल्स कितने बड़े बड़े ब्रॉड हो जाते हैं, कितने चैनल्स इनलार्ज हो जाते हैं। तो जो इनलार्ज हो जाते हैं तो वो नॉर्मल टिलेज प्रैक्टिसेस के थ्रू तो कंट्रोल किए नहीं जा सकते हैं। टिलेज प्रैक्टिसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे टिलेज इम्प्लीमेंट्स के थ्रू। तो जो टिलेज इम्प्लीमेंट्स होते हैं गाइस, जैसे कि रोटावेटर, कल्टीवेटर और भी जितने ही प्लाविंग वाले इम्प्लीमेंट्स होते हैं, वो सारे टिलेज इम्प्लीमेंट्स कराते हैं। और टिलेज प्रैक्टिसेस जितने भी इम्प्लीमेंट्स के थ्रू फील्ड में यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए, वो टिलेज प्रैक्टिसेस होते हैं। तो गाइस, गली इरोजन जो होता है इसके सो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है इसमें नॉर्मल टिलेज इम्प्लीमेंट के थ्रू। और भी इसके से आप समझते हैं रीज़न कौन कौन से कॉजेज़ हैं, कॉजेज ऑफ गली इरोजन, कॉजेज ऑफ गली इरोजन। इसके से दो तीन मेन कॉज हैं इसे गली इरोजन के, वो हम डिस्कस करेंगे अब। पहला तो इंक्रीज इन सरफेस रन ऑफ, इंक्रीज इन सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ कौन सी बला है, सरफेस रन ऑफ मान लीजिए जैसे कि जो वाटर रेनफॉल होती है, रेनफॉल होने के बाद जो वाटर बहता है फील्ड पे, जो बहने वाला वाटर होता है उसको रन ऑफ बोलते हैं, वाटर रन ऑफ बोलते हैं। तो ये सरफेस रन ऑफ मतलब ये जो होते हैं, जब रेन वाटर बहता है सरफेस पे तो होता क्या है कि इतने तेज वेलोसिटी से बहता है या फिर इंटेंसिटी होती है, रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी। और दूसरा फैक्टर होता है अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर। ये दोनों मेन फैक्टर होते हैं वाटर गली डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब रेनफॉल इंटेंसिटी अगर हाई होगी तो सॉइल लॉस भी हाई होगा और चैनल जल्दी से इनलार्ज होंगे, ज़्यादा जल्दी 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 बड़े हो जाएंगे। और अमाउंट ऑफ वाटर, जब अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा और तो उसकी वेलासिटी स्पीड, वाटर फ्लो की वेलासिटी भी हाई हो जाएगी और सॉइल लॉस भी फिर हाई हो जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी आता है इक्वेशन, एक तरह का इक्वेशन तो बना लेते हैं कि गली डेवलपमेंट, गली डेवलपमेंट, गली डेवलपमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वाटर वेलोसिटी बोल सकते हैं या वेलोसिटी एंड रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी। ये दो फैक्टर होते हैं, ये दोनों को इसे कर देंगे, ये दोनों फैक्टर्स होते हैं अमाउंट ऑफ वाटर। जब अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो सीधी सी बात है वेलोसिटी रन वाटर रन ऑफ की ज़्यादा हो जाएगी। सो गाइस, पहला हमारा पॉइंट क्लियर हुआ, इनकी अगर सरफेस के रन ऑफ जब ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो भी गली डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में वाटर फ्लो होगा और गली का डेवलपमेंट जल्दी होगा। सो वाटर का सॉइल लॉस भी ज़्यादा होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल रेजिस्टेंसी, सॉइल रेजिस्टेंस क्या है, सॉइल रेजिस्टेंस सिमिलर टू ह्यूमन, आप समझ सकते हैं इसको क्वालिटेट कर लीजिए ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम से। मान लीजिए ह्यूमन में अगर कोई भी बीमारी आती है, कोई भी वायरस अटैक करता है, तो पहले ह्यूमन बॉडी में बुखार आता है। बुखार इसलिए आता है कि वो वायरस को डीएक्टिवेट कर दे और वो एक्टिवेट ना हो पाए बॉडी में,
अदरवाइज बॉडी हमारी सिक हो जाएगी। सो पहले बॉडी का डिफेंस सिस्टम वर्क करता है, वो क्या होता है, पूरे इम्यूनिटी सिस्टम में डिफेंस सिस्टम है। पहले पूरे जितने भी डिजीज जैसे अफेक्ट करते हैं, पहले बॉडी खुद ही उनके डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करती है। जब फाइट नहीं कर पाती है तब हमको मेडिसिन लेनी पड़ती है, क्योंकि हम सिक हो जाते हैं। तो उसी तरह सॉइल में होता है, जब सॉइल में सिर्फ कुछ रेजिस्टेंस पावर होती है और जब तक इसमें से एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगने लगता तब तक वो नहीं डिटैच होती। जब सरफेस रन ऑफ ज़्यादा हो जाएगा, वाटर रन ऑफ ज़्यादा हो जाएगा, तभी सॉइल के पार्टिकल्स डिटैच होने लगते हैं। क्योंकि इसके पहले वाटर इरोजन के मैकेनिज्म में था कि जब हाइड्रोलिक एक्शन एक्टिवेट होता है तब सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो सॉइल एयर होती है वो एक प्रेशर जनरेट करती है, प्रेशर के थ्रू सॉइल के पार्टिकल्स डिटैच होने लगते हैं, जिसकी वजह से सॉइल रेजिस्टेंसी वर्क काम करना बंद कर देती है। फिर भी जितना होता है उतना काम करती है। क्लियर गाइस? थर्ड पॉइंट है स्लॉविंग। स्लॉविंग एंड अंडरमाइनिंग। स्लॉविंग एंड अंडरमाइनिंग कौन सा, ये क्या है? इस केस में क्या होता है कि खुदाई या फिर जैसे सॉइल की लेयर होती है वो ऊपर जो रेजिस्टेंस पावर सॉइल की जो टॉप लेयर होती है उसमें से, जैसे कि इरोजन ने बताया जब टॉप लेयर होती है वो फर्टाइल होती है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर रिच होती है, ऑर्गेनिक मैटर सब ज़्यादा रिच होते हैं, न्यूट्रंट ज़्यादा होते हैं, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, तो उसमें से रेजिस्टेंस पावर हाई होती है। जो रेजिस्टेंस पावर हाई होती है, अगर जो ऑर्गेनिक मैटर आप देखेंगे तो जिस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं या फर्टाइल ज़्यादा, जिस ऑर्गेनिक मैटर रिच होती है जिस सॉइल में, वहाँ पर इरोजन कम होता है। लेकिन जिस फील्ड में ऑर्गेनिक मैटर कम होता है तो वो उस सॉइल में सब ज़्यादा इरोजन होता है और प्रोडक्टिविटी भी उस सॉइल की लो होती है। जिस सॉइल में ज़्यादा होगा ऑर्गेनिक मैटर उस सॉइल में ज़्यादा होता है, इसीलिए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज ऑर्गेनिक मैटर। सो गाइस ये पॉइंट में स्लॉविंग एंड अंडरमाइनिंग में, तो पहले स्लॉविंग क्लियर हुआ। स्लॉविंग में जो ऊपर क्लियर होती है खुदाई के थ्रू, ये जो हटा देते हैं वो हो जाती है। और अंडरमाइनिंग में क्या होता है कि जैसे अंदर के अंदर की खुदाई होती रहती है, जैसे रोडेंट सोल हो जाते हैं, जो चूहे होते हैं या फिर दीमक लग जाती है, अंदर से पूरा खोखला कर देते हैं मिट्टी को, उसकी वजह से ये पूरी सॉइल अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंसी बिल्कुल लो हो जाती है। तो ये हो गया स्लॉविंग एंड अंडरमाइनिंग। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो मतलब ज़्यादा अफेक्ट, इसमें काजेज में पूछ लेते हैं इनमें कौन सा गली इरोजन को ज़्यादा प्रमोट करता है या कौन कौन से कारण हैं गली इरोजन फॉर्मेशन के, तो तीनों में से कोई ऑप्शन आ सकता है। मैंने तभी जब क्वेश्चन पढ़ा था तो ये क्वेश्चन था। और गाइस आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि बीच लास्ट में आपको एक वो क्वेश्चन दूंगा, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ताकि इसे ब्रेन जो कहते हैं कि ऐड आता है मिंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, उसी तरह मैं मिंटोस के बजाय क्वेश्चन दूंगा जिसकी वजह से आपकी बत्ती थोड़ी सी जलेगी दिमाग की। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा, ये हमने हमारे तीन मेन काजेज हैं सॉइल इरोजन के, सॉरी गली इरोजन के। क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ गली। गली डेवलपमेंट क्या है और किस कैसे कैसे होता है गली डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज गली डेवलपमेंट। गाइस गली डेवलपमेंट के केस में क्या होता है, इसकी चार स्टेजेस हैं, जो चार स्टेजेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज मतलब ये फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज को ये भी बोला जाता है इनिशिएशन स्टेज। सो गाइस ये फर्स्ट स्टेज या फिर इनिशिएशन स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो इस स्टेज में गाइस क्या होता है कि जब गली के जो चैनल्स होते हैं, पहले रील्स रील वाले चैनल, रील इरोजन में जो चैनल बनते हैं वो धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए चैनल है, ये छोटा सा चैनल बना, ये थोड़ा सा ये है, तो इसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और बड़ा हो गया। इसकी देखिए ये डीपनिंग कितनी हाई हो गई और ये जो विड्थ हो गई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई इसमें से, ये फर्स्ट स्टेज है। और इसमें से जो डेपनिंग जाती है, सॉइल प्रोफाइल आपने पढ़ा होगा, सॉइल प्रोफाइल में ये सॉइल प्रोफाइल को हॉरिजॉन में डिवाइड किया गया है, उसमें से ये ए हॉरिजॉन तक डीप हो जाती है,
ए हॉरिजॉन, क्लियर। ये फर्स्ट स्टेज है, इसको इनिशिएशन स्टेज नाम से भी बोला जाता है। सेकंड है डेवलपमेंटल, सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंटल स्टेज, डेवलपमेंटल स्टेज। इस स्टेज पे क्या होता है, इस स्टेज पे भी ये जो चैनल्स होते हैं, जो चैनल ब्रॉड चैनल हो गया है, अभी तक तो इतना था, डीप भी इतना था, ए हॉरिजॉन तक था, बट और डीपनेस जो विड्थ थी उसकी इतनी थी, और धीरे धीरे विड्थ इसकी और भी बड़ी हो जाती है, विड्थ और बड़ी हो गई, क्लियर गाइस। और जो इसकी डेप्थ है, डेप्थ और हो जाती है, क्योंकि ये डेवलपमेंटल स्टेज है, क्योंकि इसमें से और भी ज़्यादा डेवलप होती रहती है गली, और डेप्थ इसकी अभी तक कहाँ पहुँच गई, अब सी हॉरिजॉन तक पहुँच गई। ये डेवलपमेंटल स्टेज है और इसकी विड्थ भी इंक्रीज हो गई। और इसके बाद आता है थर्ड स्टेज, क्योंकि ये चार स्टेज पर डिवाइड की गई है, तो थर्ड स्टेज है हीलिंग स्टेज। कौन सा है, हीलिंग स्टेज। इस स्टेज पे क्या होता है, इस स्टेज पे जो ये बन जाता है, तो इस स्टेज पे भी और भी डेवलपमेंट होता रहता है और वेजिटेशन ग्रो होने लगता है। मान लीजिए अभी तक इतना बना, इसकी विड्थ भी इतनी हो गई, विड्थ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और बड़ी होती है, और डेप्थ भी इसकी इंक्रीज हो जाती है, यहाँ तक डेप्थ हो गई, तो यहाँ तक पूरे डेप्थ होने के बाद ये इंक्रीज हो जाती है और विड्थ भी सबसे ज़्यादा चली जाती है। और होता क्या है इस केस में कि जो यहाँ पे वेजिटेशन कवर होने लगता है, यहाँ पे प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं, जो छोटे छोटे ग्रास वगैरह ये ग्रो होने लगते हैं, तो इसमें से हीलिंग स्टेज। हीलिंग स्टेज का हीलिंग मतलब होता है कि हील अप। कोई खेल आपने सुना होगा, जिसे आप हीलिंग मतलब समझा दूँ, जैसे आपको घाव लग जाता है, कुछ भी चोट लग जाए तो घाव हो जाता है, घाव जब हो जाता है तो जब रिकवर होने लगता है, तो जब रिकवरिंग वाले जो स्टेज होती है वो हीलिंग स्टेज होती है। तो उसी तरह ये भी हीलिंग स्टेज है। हीलिंग स्टेज में धीरे धीरे वेजिटेशन कवर ग्रो होने लगती है, और फोर्थ स्टेज जो लास्ट स्टेज होती है, ये फाइनल स्टेज होती है, फोर्थ स्टेज। ये थर्ड हो गई, ये सेकेंड हो गई, फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि जब जितनी भी हो जाती है, इसके बाद ही ज़्यादा डेवलपमेंट गली ज़्यादा ना इनलार्ज होती है, ना ज़्यादा डीप होती है, बस इसमें होता क्या है कि ये भी जितना भी वेजिटेशन हो जाती है, इसमें से पूरा कंप्लीट हो जाता है, जितने भी पेड़ पौधे हो जाते हैं बड़े बड़े, यहाँ से ये पूरे बड़े बड़े हो जाते हैं, पूरा मतलब यहाँ तक पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं, मीन्स फर्दर इसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं होता, बस इसमें से वेजिटेशन और ग्रो हो जाती है और ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्लियर गाइस। ये हमारे पूरे गली डेवलपमेंट के स्टेजेस थी। अब हम डिस्कस करेंगे गली डेवलपमेंट, गली के जो क्लासिफिकेशन है, गली का क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। गली को कौन कौन से पार्ट में, गली इरोजन को कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन, गली क्लासिफिकेशन। सो गाइस, गली को क्लासिफाइड किया गया तीन पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन शेप, सेकंड वन इज बेस्ड ऑन स्टेट, बेस्ड ऑन स्टेट। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन शेप, सेकंड वन इज बेस्ड ऑन स्टेट, और थर्ड वन इज बेस्ड ऑन डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ गली, क्लियर। पहला है बेस्ड ऑन शेप, दूसरा है बेस्ड ऑन स्टेट, तीसरा है बेस्ड ऑन डायमेंशन ऑफ गली। तो फर्स्ट इसको पॉइंट को, फर्स्ट बेस्ड ऑन शेप को पहले क्लियर करते हैं। बेस्ड ऑन शेप को, गली को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, वी शेप एंड यू शेप। सो गाइस, जो वी शेप की जो गली है, ये
इस शेप में होती है, लगभग लगभग उनका शेप वी होता है। ये हमारी सॉइल है और ये इरोजन वाला होके यहाँ पे वी शेप बन गया। तो वी शेप की प्रॉपर्टी क्या है, ये वी शेप की जो ये गली होती है ये लगभग लगभग हिली रीजन्स पे आ जाती है। कहाँ? हिली रीजन्स पे, हिली एरियाज पे। और दूसरी प्रॉपर्टी है ये स्लोपी लैंड में होती है, हिली एरियाज में स्लोप ज़्यादा होता है, स्लोपी लैंड ज़्यादा होती है तो स्लोपी लैंड में मिलती है। तीसरा पॉइंट है ये आस पास जो विड्थ होती है उसको विड्थ ज़्यादा नहीं चौड़ी होती, विड्थ चौड़ी नहीं होती है, बस ये डीपर होती चली जाती है, जब इतनी है तो और भी ज़्यादा डीप हो जाएगी। बस ये है इसके कुछ पॉइंट्स। और ये लगभग लगभग उसमें से जो हाँ जिन एरियाज में टफ सॉइल होती है वहीं पाई जाती है, जैसे कि हिली एरियाज में जो टफ सॉइल होती है, नॉर्मल सॉइल नहीं होती वो टफ होती है, इसकी वजह से ये हिली एरियाज में पाई जाती है और टफ सॉइल की वजह से ये वी शेप में आ जाता है, इससे स्ट्रक्चर डीप होता चला जाता है। अब बात करेंगे यू शेप की गली में, तो होता क्या है कि इसका शेप लगभग लगभग यू हो जाता है, इस शेप में लगभग लगभग रहती है। और ये जो एल्यूवियल प्लेन है, जो प्लेन एरियाज रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और एमपी के कुछ पार्ट हो गया, ये हिली एरियाज हो गए, सॉरी हिली क्या प्लेन एरियाज हो गए, प्लेन एरियाज में पाई जाती है। और इसमें खासियत क्या होती है कि डीप नहीं जाती है, जो इसकी जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, बस इसकी ये विड्थ ज़्यादा हो जाती है, ये विड्थ इंक्रीज हो जाती है, पहले इतनी थी अब ज़्यादा हो गई, ये खासियत होती है। और इसमें से जो वाटर का अमाउंट होता है वो ज़्यादा नहीं होता, इसमें से वाटर की जो वेलोसिटी होती है, जो वाटर बहता है वो वाटर की वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होती है, धीरे धीरे बहता है, बट जो अमाउंट होता है ज़्यादा होता है, वाटर का अमाउंट होता है, वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है, मीन्स ये इंक्रीज मीन्स ये ज़्यादा होता है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है। जस्ट अपोजिट वी गली में होता क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो ज़्यादा वाटर का अमाउंट है वो कम होता है। बस आप ये पॉइंट क्लियर रखिएगा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी सारा पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ कई बार पूछ ली जाती हैं। क्लियर गाइस, यहाँ बेस्ड डाउन शेप हमने क्लियर किया। अब इसके बाद आता है बेस्ड ऑन स्टेट। बेस्ड ऑन स्टेट अगर क्लासीफाई करें तो एक एक्टिव वैली होती है, एक दूसरी होती है इनएक्टिव वैली, इनएक्टिव गली। एक्टिव गली मीन्स क्या होता है, एक्टिव मीन्स ज़्यादा जो एक्टिव रहता है, इनएक्टिव मीन्स जो इनएक्टिव नहीं रहता। तो इससे आपको थोड़ा सा दिमाग में मेंटोस खाया हो तो खाइए, दिमाग की बत्ती जल गई होगी। एक्टिव गली में होता क्या है कि जब धीरे धीरे टाइम के साथ ये टाइम जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, ये मान लीजिए हमारा टाइम है, टाइम अगर बढ़ता है तो हमारा जो गली का डेवलपमेंट होता है, ये गली डेवलपमेंट का जो होता है रेट होती है वो भी इंक्रीज होती है। अगर टाइम बढ़ेगा तो गली डेवलपमेंट बढ़ेगी, अगर टाइम उतना ही रहेगा तो गली डेवलपमेंट। जस्ट आप समझ सकते हैं, आज अगर 2019 है, 2019 में अगर इसकी जो गली का डेवलपमेंट स्टेज है, जो डेप्थ और इंक्रीज विड्थ अगर इतनी ही मान लीजिए 2019 है ये, और 2019 में विड्थ गली की है 10 मीटर एंड डेप्थ है 20 मीटर, तो 2029 तक या 2030 तक ये इंक्रीज हो सकती है, मान लीजिए 50 मीटर भी हो सकता है डेप्थ इसकी, मान लीजिए 30-40 मीटर तक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बस ये कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। बस ये आप क्लियर रखिएगा, इनएक्टिव गली में होता है कि ये टाइम के साथ साथ ये डेवलपमेंट इनका कंटिन्यू रहता है, इनएक्टिव गली में होता है टाइम बढ़ता रहेगा लेकिन गली का जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगा, इनलार्ज नहीं होंगे उनके चैनल्स, जो गली है वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा, बस ये आप ये ध्यान रखिएगा। क्लियर गाइस, स्टेट बेस्ड ऑन स्टेट हमने क्लियर करा, बेस्ड ऑन डायमेंशन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्मॉल गली, मीडियम गली, एंड लार्ज गली। स्मॉल गली में क्या होता है
कि ये जो नॉर्मल टीलेज प्रैक्टिसेस हैं, जो छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, नॉर्मल टीलेज प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके थ्रू आप इन जो स्मॉल गली के जो चैनल्स हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो टीलेज प्रैक्टिसेस हैं, टीलेज प्रैक्टिसेस, उनके थ्रू आप जो स्मॉल गली के जो चैनल्स हैं और रील्स हैं इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इस केस में क्या होता है कि इतने बड़े हो जाते हैं कि आप इनको टीलेज प्रैक्टिसेस से कंप्लीट नहीं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, प्लांट ग्रो करने पड़ेंगे, प्लांट नहीं सॉरी, इसमें आप गले ग्रो करेंगे, प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं और वेजिटेशन भी ग्रो कर सकते हैं। बस जो लास्ट जो लार्ज गली है, लार्ज गली में आपको प्लांट ही ग्रो करने होंगे। मान लीजिए हमारा ये मीडियम गली के बारे में बात करें, मान लीजिए हमारा ये है मीडियम गली है लगभग, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेजिटेशन अगर ग्रो कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके रूट्स जो जो प्लांट्स हैं ग्रो हुए हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं ग्रो किए हुए हैं, उनकी रूट्स जाके वहाँ के सॉइल को कवर कर लेंगे, कंट्रोल करेंगे, कैचमेंट एरिया इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा और वहाँ का सॉइल इरोजन नहीं होगा। बट लार्ज इरोजन जो मीडियम के बाद ये लार्ज गली है, तो इसमें से मान लीजिए हमारा ये है, ये स्लोपी लैंड है और ज़्यादा है, तो यहाँ पर पानी बह रहा है धीरे धीरे, यहाँ की सॉइल कटती चली जा रही है। तो बस आप यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे वो स्टोन डाल सकते हैं, यहाँ पे प्लांट ग्रो कर दीजिए, प्लांट यानी कि रूट्स में जाके ऐसे ग्रो कर लेंगे। प्लांट्स बस मेनली आपको बड़े बड़े प्लांट्स जो हैं उनसे आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, ट्री लगा सकते हैं, हर्ब्स श्रब्स सारे ग्रो कर सकते हैं लार्ज गली में कंट्रोल करने के लिए। ये एक तरह से कंट्रोल मेजर भी है, बस आप ये ध्यान रखिए कंट्रोल मेजर, इसके बाद हम कंट्रोल मेजर ही पढ़ने वाले हैं, कंट्रोल मेजर ऑफ गली कि कैसे कैसे कौन कौन से प्रोसेस गली को कंट्रोल किया जा सकता है। गली कंट्रोल मेजर्स, क्लियर हुआ गाइस आपको क्लासिफिकेशन ऑफ गली। इनको दो टाइप से, दो या तीन कई सारे टाइप्स हैं उनको ग्रो किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज अ वेजिटेशन, जैसा कि अभी मैंने बताया वेजिटेशन, जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट्स के और ग्रास के थ्रू आप अगर ग्रो करते हैं सॉइल पे, अफेक्टेड जो इरोजन अफेक्टेड एरिया है, लैंड है, सॉइल है, उसमें से अगर आप ग्रो करते हैं तो इरोजन रुक जाता है। तो वेजिटेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, हर्ब श्रब्स आप प्लांट्स सारे लगा सकते हैं ताकि गली जो है ज़्यादा बड़ी ना हो, सॉइल वहाँ पे कैचमेंट एरिया हो जाए, जहाँ पे वेजिटेशन होता है वहाँ पे उसको, उस एरिया को कैचमेंट एरिया बोला जाता है। जहाँ पे कैचमेंट एरिया हाई होता है, वेजिटेशन हाई होता है, तो वहाँ पे इरोजन जल्दी नहीं होता। पार्क्स में आप देखिए इरोजन नहीं होता। इसके बाद है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो कट करते हैं इम्प्रॉपर लैंड यूज़ है वो अभी आगे देखेंगे, तो मेन हम दो ही देखेंगे। दूसरा है फॉरेस्ट डे बाई डे कट किए जा रहे हैं जिसकी वजह से इरोजन बढ़ रहा है, तो फॉरेस्ट कट करने रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। फॉरेस्ट को भी दोबारा लगाया जा सकता है और भी प्लांट्स लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर गाइस, थर्ड पॉइंट है ये स्ट्रक्चर। कैसे, आपने कभी आपके आसपास देखा होगा जो जहाँ पे इरोजन अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे डैम्स बनाए जाते हैं और भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है मेनली। जैसे मान लीजिए हमारी ये गली है, यहाँ पे ये गली वाला एरिया है, तो यहाँ पे डैम बना दिए जाते हैं जिसकी वजह से इरोजन हमारा रुक जाता है। मतलब मेनली हमारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और कंस्ट्रक्शन किया जाता है मिट्टी के और सॉरी सीमेंट के और वुड्स के, ये सारी चीज़ें हमें यूज़ की जाती हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स आप मैं अभी इमेज में दे रहा हूँ, आप इमेज में देख सकते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर बन सकते हैं गली डेवलपमेंट को रोकने के लिए, जो गली फॉर्मेशन है तो उनको रोकने के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर बन जा सकते हैं, कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है गली इरोजन को। तो स्ट्रक्चर बेसिकली बहुत ही ज़रूरी होते हैं और जहाँ ज़्यादा अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही किया जाता है। और कभी कभी टेम्परेरी डैम्स बना दिया जाता है, जैसे वुड्स के होते हैं वुड लगा दिए जाते हैं, या फिर सबसे बड़ा तरीका तो ये था विदाउट कॉस्ट वेजिटेशन अगर लगा देंगे तो कोई कंस्ट्रक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जहाँ ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वेजिटेशन से ज़्यादा जल्दी रुकता नहीं है।
ये हमारे मेजर थे, कंट्रोल मेजर थे गली इरोजन के। और लास्ट में पढ़ लेते हैं, साथ में एक पॉइंट बचा हुआ है हमारा, गली जो डेवलपमेंट होती है, गली इरोजन के जो कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। क्लियर गाइस, अभी तक आपको क्लियर ना हुआ तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम अभी तक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग गली इरोजन, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम ही टूटेगा, ज़्यादा हमें नहीं लिखना, बस अब फैक्टर्स समझते हैं कौन कौन से। फैक्टर्स तो मेनली दो हैं, मैनमेड फैक्टर एंड सेकंड है फिजिकल फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर कह सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स। गाइस ये दो मेन फैक्टर हैं जो गली इरोजन को अफेक्ट करते हैं। तो मैनमेड फैक्टर में पहला कौन सा है, माइनिंग। जैसा कि अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो माइनिंग की वजह से सॉइल की इरोजन ज़्यादा होता है, सॉइल लॉस होने लगता है, क्योंकि जो टॉप लेयर होती है, अंदर से टॉप लेयर होती है, उस पर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जिस सॉइल में होते हैं तो उसमें से सॉइल रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और माइनिंग में भी और भी ये हो सकता है कि खुदाई, जैसे आप आजकल तो सब ज़्यादा माइनिंग हो रही है सॉइल की, और सॉइल माइनिंग होने की वजह से सॉइल की क्वालिटी रिड्यूस हो रही है, सॉइल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, और अलग अलग नीड को कंप्लीट करने के लिए सॉइल की माइनिंग की जा रही है। तो पहले तो माइनिंग को कंट्रोल किया जाए। दूसरा है फॉरेस्ट फायर को किसी तरह कंट्रोल किया जाए, क्योंकि फॉरेस्ट फायर हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी जंगल में जो बड़े बड़े होते हैं उनमें से फॉरेस्ट फायर लग जाती है, तो फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। थर्ड पॉइंट है ओवरग्रेजिंग, कैटल्स जो ओवरग्रेजिंग करती हैं जो ग्रास वाले फील्ड होते हैं उनको कंट्रोल करना है, जिसके थ्रू हम गली डेवलपमेंट को, गली इरोजन को कंट्रोल किया जा सकते हैं, कर सकते हैं। एंड थर्ड है, फोर्थ है रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी ज़्यादा जो पहले नई मिट्टी अगल बगल से खोद के पूरी माइनिंग करके अगल बगल मेन रोड के लिए जमा की जाती है, जिसकी वजह से भी इरोजन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इरोजन होता है। तो ये मेन हमारे मैन मेड फैक्टर्स थे। फिजिकल फैक्टर्स में या फिर इनको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कहा जाता है, तो इनको देख लीजिए, पहला कौन सा है वेजिटेशन के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा इरोजन होता है, वेजिटेशन को भी कंट्रोल करना चाहिए, और फॉरेस्ट या फिर रिफॉरेस्टेशन करवाना चाहिए फॉरेस्ट। थर्ड पॉइंट है जो रेनफॉल इंटेंसिटी होता है, प्रिसिपिटेशन मीन्स मंथली जो रेनफॉल होती है उसकी वजह से होता है, अलग अलग एरिया पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसकी वजह से होता है। ये हमारे मेन फिजिकल फैक्टर्स हो गए, मैनमेड फैक्टर्स हो गए। सो गाइस, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।